कोटा में आज एसीबी ने नारकोटिक्स विभाग कोटा जोन के सबसे बड़े अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस पर अपने दफ्तर में ध्वजारोहण कर देश को आगे ले जाने का संकल्प दिलाने वाले इस अधिकारी ने घर जाते ही एक किसान से 1,00,000 रुपए की रिश्वत ले ली, जहां जाल बिछाए बैठी एसीबी की टीम ने उपायुक्त सहिरा मीणा को 1,00,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों धर दबोचा। रिश्वतखोर नारकोटिक्स अधिकारी सहिराम को लेकर ब्यूरो दल को अफीम पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत वसूलने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक सहिराम मीणा ने ये रिश्वत चित्तौड़ के कनेरा गांव के एक किसान से गांव के किसानों का अफीम मुखिया बनाने की एवज में ली थी। एसीबी को ट्रैप के बाद सहिराम के पास से लाखों की नकदी भी बरामद हुई है। एसीबी ने सहिराम मीणा के घर पर दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया। फिलहाल एसीबी की टीमें कोटा और जयपुर में आरोपी के घरों पर तलाशी ले रही हैं। मुख्यालय से सूचना मिली थी कि एक आईआरएस अफसर है, यहाँ पर नारकोटिक्स ब्यूरो में पोस्टेड है सहिराम मीणा। ये किसी प्रकरण के अंदर 1,00,000 रुपए रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। हमारी टीम और मुख्यालय की टीम ने मिलकर कार्रवाई की, मौके से 1,00,000 रुपए बरामद किए और घर की तलाशी में 4,00,000 और बरामद हुए। बाकी घरों पर जहाँ जहाँ इनके घर हैं और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर टीम्स भेजी हुई हैं, कार्रवाई जारी है। ये जो रिश्वत की राशि थी, ये कनेरा गाँव का एक व्यक्ति था, वो पट्टे का मुखिया, हर गांव में एक मुखिया होता है, वो बनने की एवज में ही मांग रहे थे।